वीकेंड के बाद पर होगा डबल एविक्शन। आखिरकार डबल एविक्शन के शिकार कौन से दो कॉन्टेस्टेंट हो जाएंगे, आइए जानते हैं। गाइस आप सभी को बता दूं कि वोटिंग ट्रेंड से आप सभी वाकिफ हैं, जहां मनीषा रानी सबसे हैं टॉप पर विद 3 लाख से भी अबव वोट, तो वहीं जिया शंकर हैं सेकेंड पोजिशन पर विद 2 लाख समथिंग वोट्स। तो वहीं अगर बात करें बॉटम टू की, तो अविनाश सचदेव हैं थर्ड पोजिशन पर, जिन्हें लगभग 4000 कुछ वोट मिले हैं, और जद हदीद को लगभग 2000 के आसपास वोट मिले हैं। देखा जाए तो बॉटम टू में है अविनाश सचदेव और जद हदीद। और खबरें आ रही हैं सोर्सेज के हिसाब से कि इस बार वीकेंड के वार पर होना है डबल एविक्शन, तो क्या डबल एविक्शन के शिकार हो जाएंगे अविनाश और जद हदीद? हालांकि अब तक ये कोई कन्फर्म न्यूज नहीं है, अब तक सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज के हिसाब से ये खबरें आ रही हैं कि इन दोनों का एविक्शन होना तय है, यानी कि डबल एविक्शन आना है, और डबल एविक्शन होने की वजह से अविनाश और जद हदीद दोनों को टाटा बाय बाय यानी कि अलविदा कहना पड़ेगा बिग बॉस के घर। हालांकि अविनाश और इन दोनों जद हदीद का जो गेम है वो 0 के बराबर हो गया है, और इस वजह से लोग बिल्कुल भी इन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इस वजह से इन्हें वोटिंग ट्रेंड्स में भी काफी कम वोट मिले हैं, जहां अविनाश का वोट लगभग 4000 के आसपास है, तो जद हदीद का 2000 के आसपास। वहीं मनीषा रानी और जिया शंकर पूरी तरीके से है सुरक्षित यानी कि सेफ। तो आप सभी बताएं कि डबल एविक्शन के शिकार वहीं अविनाश और जद हदीद होने वाले हैं। इस खबर को सुनकर क्या आपको भी लगा जोरदार झटका? डू लेट अस नो योर रिएक्शन इन द कमेंट सेक्शन।